नमस्कार दोस्तों, सी स्टिक चैनल में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक कैसे करेंगे, लॉक और अनलॉक करने के क्या फ़ायदे होते हैं, सब कुछ आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक करना क्यों बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके आधार के साथ फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक किया जाता है तो आप लोग इस वीडियो से बने रहेंगे और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आप किस तरह से अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने रेड कलर वाले बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि कैसे किया जाता है आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक। तो दोस्तों, बता दूं कि अगर आप अपने आधार कार्ड को लॉक कर देते हैं तो आपके आधार कार्ड का यूज कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको जब काम हो, आप अपने आधार कार्ड से कोई काम करना चाहते हैं, कहीं बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं, तो आप अपने आधार कार्ड को अनलॉक कर लें और पैसा निकालने के बाद आप तुरंत अपने आधार कार्ड को लॉक कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका आधार कार्ड सुरक्षित रहेगा, आपके आधार कार्ड के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, इसलिए आधार कार्ड को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं किस तरह से आप अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इसमें आपको टाइप करना होगा UIDAI, ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, UIDAI। इसको जब आप सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप UIDAI लिखकर सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने एक पेज खुलकर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर दिया गया UIDAI, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना होगा और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, ठीक है। जब UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी तब आप देखेंगे कि कहाँ से आप जो अपने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस तरह से UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप इसे मोबाइल में खोलेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ आप देख रहे हैं थ्री लाइन, ठीक है, थ्री लाइन आपको जो दिखाई दे रही है इस पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने ये माई आधार दिखाई दे रहा है, आप लोगों के सामने माई आधार दिखाई दे रहा है, आपको माई आधार पर क्लिक करना होगा। माई आधार पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ नीचे कुछ लिंक दिखाई देंगे, आप नीचे यहाँ देख रहे हैं आधार सर्विसेज, ठीक है। तो आधार सर्विसेज पर आपको क्लिक करना होगा, चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। हाँ दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक नया पेज खुलकर आप लोगों के सामने आ गया और अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। इस पर टिक करने के बाद आप लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक इस पर क्लिक करना होगा, चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आधार नंबर डालना है, ठीक है, चलिए हम आधार नंबर डाल देते हैं। ठीक, और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसमें कैप्चा भी इंटर कर देना है। चलिए, हमने कैप्चा भी इसमें इंटर कर दिया। अब सेंड OTP। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जिसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा और वो मोबाइल नंबर आपके पास है तभी आप इसको जो लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने आधार कार्ड को लॉक और अनलॉक नहीं कर सकते क्योंकि उस पर OTP जाता है, ठीक है। तो चलिए हम सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। चलिए, हमने सेंड OTP पर क्लिक कर दिया
और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए एक मैसेज आ गया कि OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। चलिए हम अपने मोबाइल को चेक कर लेते हैं और मैसेज आ गया हमारे मोबाइल पर। चलिए हम उस OTP को इसमें इंटर कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। चलिए हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब आप लोगों के सामने मैसेज आ गया माई आधार, आधार सर्विसेज लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक ऊपर लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए दिखा रहा कि योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड। यहाँ देखिए क्या हो गया, हम अब अगर हम कहीं यूज करेंगे अपने अंगूठे का या आयरिस का, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा जब तक हम उसे अनलॉक नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखा गया योर बायोमेट्रिक इज लॉक्ड यहाँ, और नीचे देखिए लिखा यू विल नॉट बी एबल टू यूज बायोमेट्रिक्स, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स आयरिस करा के आप यूज आप नहीं कर सकते फॉर ऑथेंटिकेशंस और दस प्रिवेंटिंग पोटेंशियल मिस यूज करा कि इसको ही मिस यूज नहीं कर सकता आप, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड लॉक हो गया तो आप उसे अब अनलॉक कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ दे दिया है कि ये आपका आधार कार्ड लॉक कर दिया गया है, ठीक। अब इसको हमें अनलॉक करना है, तो यहाँ देखिए लिखा गया है अनलॉक, ठीक है, अनलॉक बायोमेट्रिक। आपको फिर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए दिया कि योर बायोमेट्रिक इज अनलॉक्ड सक्सेसफुली। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो आधार कार्ड अनलॉक हो गया है, ठीक, अब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जब आप आधार कार्ड से कोई काम करना चाहते हैं तो उसे अनलॉक कर दीजिए, और जब आपका काम हो जाए तो उसे तुरंत लॉक कर दीजिए, आपका आधार सेफ रहेगा, ठीक है, आपके आधार के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल वाले आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और दोस्तों एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।